प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,141 हो चुकी है, लेकिन लॉकडाउन 2 के बाद कोरोना पॉजिटिव की वृद्धि दर में गिरावट अब देखी जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो शुरुआती वृद्धि दर के अनुसार 3,400 से अधिक होती, इसलिए लॉकडाउन पूरी तरीके से कारगर साबित हो रहा है। साथ ही में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सैंपल कलेक्शन का कार्य उसी तरीके से किया जा रहा है जैसे कि पहले था, और अब राजस्थान में प्रतिदिन सैंपल जांच सुविधा भी 5,256 हो गई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा और RUHS को 250 टेस्ट किट की करने की अनुमति अब मिल चुकी है और जयपुर और जोधपुर के लिए 8,800 मशीन खरीदने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। इसी के साथ प्रदेश में करीब 80,000 कोरोना के सैंपल अभी तक लिए जा चुके हैं, जो कि भारत में सबसे अधिक संख्या है। साथ ही में चिकित्सा मंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान में प्रवासी राज्यों के मजदूरों को भेजने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए ताकि वो अपने घरों तक पहुंच सके। अगर ये 14 अप्रैल से पहले की स्थिति में बढ़ता रहता तो आज पॉजिटिव केसेस जो संख्या होती वो 3,400 से ऊपर होती, लेकिन 14 अप्रैल के बाद इसके संक्रमण के फैलाव पे हमने काबू पाया है और अब ये इसीलिए आज सुबह 9 बजे जो प्राप्त रिपोर्ट के हिसाब से 2,141 तक हम इसको रोक पाए हैं। हमने कई लोग कहते हैं कि सब सैंपल कलेक्शन के काम को कम कर दिया, ऐसा नहीं है। हर रोज 4,000-5,000 सैंपल एवरेज हमारा विभाग और सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं और टेस्टिंग कैपेसिटी भी हमारी निरंतर बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में 5,256 टेस्ट पर डे हम कर सकते हैं। कल भीलवाड़ा को ICMR की परमिशन मिली है टेस्टिंग की और RUHS को भी 250 टेस्ट पर डे करने की ICMR से परमिशन मिली, जिसको हम और बढ़ाएंगे, 1,000 तक ले जाएंगे। इसके अलावा हमने कोबोस 8800 मशीनें उनका ऑर्डर दिया है, वो जयपुर और जोधपुर के लिए। ये मशीनें जैसी आएंगी हर रोज 3,000 से 4,000 पर डे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को सुन रहे थे आप। यहां पर संतुष्ट काफी दिखाई दिए, कहा कि लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति बनी वो उन स्थितियों से बेहतर है जो कि लॉकडाउन नहीं होने के चलते होती। वृद्धि दर जो थी कोरोना के पेशेंट्स के मरीजों में वो अधिक बढ़ सकती थी अगर ये लॉकडाउन यहां पर कारगर सिद्ध नहीं होता, लेकिन संपूर्ण तरीके से यहां पर लॉकडाउन कारगर सिद्ध हुआ। टेस्टिंग सैंपल्स के जो आंकड़े हैं उनमें लगातार तेजी आ रही है। अन्य जो सामान है और उपयोगी के जो सामान है वो लगातार यहां पर उनके ऑर्डर दिए जा रहे हैं और मंगाए जा रहे हैं। और खबर पर अधिक अपडेट के लिए टॉक से एवन संवाददाता फिरोज उस्मानी मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फिरोज, क्या स्थिति है टॉक की फिलहाल? जी जयती, मैं बताना चाहूंगा टॉक में कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या अब 116 हो गई है। निवाई की ग्राम पंचायत नटवाड़ा की एक महिला शनिवार को जयपुर में इलाज के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। जी। अभी भी 288 नमूने जांच के लिए गए हुए हैं, जो अभी आना शेष है इनकी रिपोर्ट। जिला कलेक्टर के शर्मा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 2,375 लोगों के नमूने भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 116 पॉजिटिव आए। क्वारंटाइन सेंटर में अभी 553 लोगों को रखा गया है। और एक राहत की बात यह है कि टोंक जिला सादत अस्पताल में 16 कोरोना जो पॉजिटिव मरीज है उनकी दो बार की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अंतिम तीसरी जांच रिपोर्ट 14 दिन बाद फिर आएगी। अब तक क्वारंटाइन जोन में सर्वे की जो टीमों ने इनमें 1,04,207 घरों में सर्वे किया जा चुका है, जिसमें 6,28,000 लोगों का इसमें सर्वे हुआ। जी। इसी प्रकार बमोर जोन में 28,946 घरों में 5,20,444 लोगों का सर्वे हो चुका है। जी, जी। वर्तमान में 7,050 लोग होम क्वारंटाइन में हैं। जी। और नगर परिषद की ओर से संक्रमित क्षेत्र जो हैं और जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद फिरोज। टोंक से एवन संवाददाता को सुन रहे थे आप। टोंक की जानकारी दी, कहा कि किस प्रकार से यहाँ पर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए। लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग की जागरूकता की जा रही है, लोग अपने घरों पर ही और जब तक घरों में है तब तक इस संक्रमण से सुरक्षित भी है। प्रदेश से आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं आप। 2,141 का आंकड़ा यहाँ पर पार कर चुकी है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। हालांकि
काफी ज्यादा वृद्धि दर जो थी, डबलिंग रेट जिसे कह सकते हैं कोरोना के मरीजों की, वो यहाँ पर घटी जरूर है। लॉकडाउन 2 का यहाँ पर यकीनन असर दिखाई दे रहा है, लोग अपने घरों में हैं और जो चेन होती है कोरोना के संक्रमण की वो यहाँ पर रोक ली गई है। कहा जा सकता है कि जयपुर और जोधपुर के लिए 8,000 नई मशीन खरीदने के भी ऑर्डर दिए, और इस प्रकार से प्रदेश सरकार काफी ज्यादा सीरियस अपने प्रदेशवासियों की जनता, प्रदेशवासियों की जान को यहाँ पर बचाने के लिए लगातार वो सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे कि प्रदेश से कोरोना का नामो निशान भी मिटा दिया जाए। लॉकडाउन 2 का असर यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। प्रदेश में काफी एक्टिव हो चला है प्रशासन, काफी लंबे समय से कवायद जारी है। 2,141 हालांकि संख्या हो चुकी है, लेकिन उस संख्या से काफी कम है जो अनुमानित तौर पर बताई जा रही है कि लॉकडाउन अगर नहीं लगाया होता तो हो सकती थी 8,000 बताया जा रहा है वो आंकड़ा, जो कि संक्रमित मरीजों की संख्या हो सकती थी लॉकडाउन के अलावा। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए कोटा से एवं संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कोटा की फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, अगर बात करें कोटा की, तो कोटा में लगातार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव की अगर संख्या की बात करें तो 152 यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ गए हैं। अगर यहाँ पर डेथ की बात करें तो यहाँ कल चौथी डेथ कोरोना पॉजिटिव की हो गई। एक 32 वर्षीय युवक था जिसकी कल यहाँ कोरोना पॉजिटिव से डेथ हुई है। जी। उसकी यहाँ आइसोलेशन वार्ड में भर्ती था, उसके बाद उसकी डेथ हुई और उसको मोर्चरी में शव रखवाया गया था। जी। तो लगातार कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर लॉकडाउन नहीं भी लगा होता तो कम से कम अभी ये तादाद और बढ़ती, मगर लॉकडाउन लगने से कुछ मरीजों में कमी जरूर आई है। पर कोटा के साथ ऐसे हालात नहीं है, क्योंकि कोटा एक पूरा एक एरिया है महाकर्फ्यू इलाके का, जहां से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट लगातार सामने आए। अगर इन बस्तियों की और इन इलाकों की बात करें तो ये ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल सटे हुए मकान है और जिन पे जरा सी एक मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती। तो इस तरह के जो इलाके हैं उनमें कोरोना संक्रमण का फैलने का खतरा अत्यधिक है, और लगातार जिला प्रशासन ने इस संक्रमण को रोकने के लिए लोगों से अपील कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग पालना के लिए कह रहा है। मगर कई बार कोटा से ऐसी तस्वीरें सामने निकल के आ रही है जिसमें कई सैकड़ों की तादाद में लोग जुट जाते हैं, कभी राहत सामग्री की बात होती है, कभी और कोई समस्या की बात होती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को एहतियात पर बरतनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं इस आंकड़े को कम करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और जो सारे नियम कानून कायदे उनकी पालना करवानी पड़ेगी। जी 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 जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद राजेंद्र। कोटा से एवं संवाददाता को सुन रहे थे आप। 152 पहुंच चुकी है कोटा में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या, लगातार वहां बताया जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है। लोगों को जरूरत है अब अपने आप को जागरूक करने की, सोशल डिस्टेंसिंग और राहत सामग्रियों के जिस प्रकार से यहां पर वितरण होता है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए जुड़ते हुए। और भीलवाड़ा से एवं संवाददाता योगेश शर्मा मेरे साथ में फोन लाइन पर अब जुड़ चुके हैं। योगेश, भीलवाड़ा की फिलहाल क्या स्थिति है? कर्फ्यू मुक्त से कुछ दिन पहले घोषित किया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले वापस से कोरोना के पॉजिटिव मरीज यहां पर मिलने लगे, और फिलहाल क्या जानकारी है? भीलवाड़ा में अभी भी लगातार महाकर्फ्यू जारी है और 3 मई तक ये महाकर्फ्यू रहेगा। भीलवाड़ा में अब तक 33 कोरोना पॉजिटिव रोगी आ गए हैं, जिसमें से 26 को डिस्चार्ज कर चुके हैं, और 4 जो भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है उनकी दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है, और एक जो पेशेंट है वो जयपुर में भर्ती है। और अभी भीलवाड़ा में भी मेडिकल कॉलेज में कोरोना जांच लैब प्रारंभ हो चुकी है, जो 50 जांचें डेली यहाँ हो रही है भीलवाड़ा में। जी। योगेश, तो क्या कहा जा सकता है कि महाकर्फ्यू जो भीलवाड़ा में काफी पहले समय से ही लगा दिया था उसी की बदौलत अब ये है कि सिर्फ 4 मरीज फिलहाल वहां पर पॉजिटिव है, जिसमें से एक तो राजधानी जयपुर में है और 4 फिलहाल है जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ चुकी है। तो क्या महाकर्फ्यू वो कारण है जिसके कारण लोग यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल कर पाए? 20 मार्च को भीलवाड़ा में जब पहला कोरोना पॉजिटिव मिला था उसके बाद यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया, उसके बाद फिर कर्फ्यू के बाद महाकर्फ्यू लगाया है। महाकर्फ्यू में बिल्कुल इतना सख्त कर्फ्यू लगाया है कि दवाइयां, दूध और सब्जी और खाद्य सामग्री भी होम डिलीवरी के रूप में दी जाने लगी, यानी सीमाओं को सील कर दिया गया। इस कारण इतनी प्रशासन की इतनी शक्ति थी, इतनी इस सफलता के कारण यह कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या नहीं बढ़ पाई। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। भीलवाड़ा से एवं संवाददाता को सुन रहे थे आप, भीलवाड़ा की तमाम जानकारी दी। भीलवाड़ा को पूरे देश भर में रोल मॉडल के तौर पर जाना गया, कुछ दिन पहले इसे कर्फ्यू मुक्त कोरोना मुक्त भी घोषित कर दिया गया था, लेकिन 4 और कोरोना पॉजिटिव सामने आए।
और अजमेर से एवन संवाददाता नितिन मेहरा मेरे साथ पे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, अजमेर की फिलहाल क्या स्थिति है, कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज आज सुबह से सामने आए? अभी तो आज सुबह से 11 मरीज सामने आए, उसमें सभी दादा बाजार से मुस्लिम मोहल्ले से सामने आए हुए जी। एक ही परिवार में वो रहते थे, जब छोटा सा रास्ता एक ही मतलब में बहुत सारे रहते हैं परिवार, उसमें से सामने सब निकलते आए जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद नितिन। अजमेर से हम आपको बता रहे हैं 11 मरीज सुबह से यहां पर कोरोना पॉजिटिव के सामने आए। और पूरे देश में कोरोना ने अपना कहर बरपाया हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि प्रदेश में स्थिति को कहा जा सकता है कि काफी हद तक कंट्रोल में फिलहाल किया हुआ है।